हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुनीजा। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो यूजिंग PHP एंड अजेक्स, और साथ ही साथ एनिमेटेड इफेक्ट्स के साथ। तो मैंने बहुत बार बताया अपने चैनल पे कि आप कैसे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो, आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो, इवन आप चेकबॉक्स के साथ कैसे डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चेकबॉक्स पे यहाँ पे क्लिक किया और फिर आप डिलीट करो तो डिलीट हो जाए। तो मैंने ऐसी वीडियोस काफ़ी डाल रखी है अपने चैनल पे, पर आज की वीडियो में क्या खास है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने वाला कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। सो यहाँ पे jQuery देखेंगे, बूटस्ट्रैप देखेंगे, अजेक्स देखेंगे, PHP तो देखते ही हैं हमेशा, और साथ में थोड़ा सा एनिमेशन। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं जो डेटाबेस से रिट्रीव हो रहे हैं। और अगर मैं आपको डेटाबेस में लेके चलूँ तो यहाँ पे एक डेटाबेस है टेस्टिंग, जिसके अंदर एक टेबल है tbl_employee। और यहाँ पे आप गाइस देख रहे हो कि मेरे पास 3 रिकॉर्ड हैं और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, जो बहुत इजी है डिस्प्ले करवाना। मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, काफ़ी वीडियोस दे दी हैं कि कैसे डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करवाया जाता है, चाहे वो PDO हो या MySQL हो। तो आज इस वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा सस्पेंस अब ओपन कर ही देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हाईलाइट हो गया। इससे क्या आसानी हुई, अभी तो 3 रिकॉर्ड्स है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते। अब देखिए यहाँ पे क्लियर है कि मुझे क्या डिलीट करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपकी वेबसाइट पे आऊँ और मुझे इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं देखने को, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँगा कि मुझे क्या डिलीट करना है। देखिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखिए किस तरीके से फेड आउट हुआ, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ जो चीज़ें यूज़ होनी है वो है अजेक्स, jQuery, PHP और CSS, दैट्स इट। ठीक है गाइस, तो डेमो आपको क्लियर होगा। और देखिए यहाँ हो क्या रहा है, क्लिक कर रहे हैं और डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो मल्टीपल डिलीट भी हो रहा है और सिंगल डिलीट भी हो रहा है यूजिंग चेकबॉक्स, और एनिमेशन भी आप देख पा रहे हो, ठीक है। डेटाबेस के अंदर क्या है, हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, उनके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं और ये वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया डेमोस्ट्रेशन, अब चलते हैं कोडिंग के अंदर और देखते हैं कि कैसे इसे अचीव करें, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास फाइल है, डेटाबेस कनेक्शन फाइल है, जो कि हमने यहाँ पे सिंपल PDO का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है $connect। और यहाँ पे हम लोकल मशीन पे है तो लोकल होस्ट यूज़ किया है, और DB नेम मेरा टेस्टिंग है, और जो मेरा यूज़र नेम है वो है रूट, और पासवर्ड कुछ भी नहीं है। तो PDO के पास बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी एक कनेक्शन फाइल बना दी है, और इस कनेक्शन फाइल को अब हम यूज़ करेंगे अपने index.php के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले गाइस हमने क्या किया, अपनी फाइल को इंक्लूड करवा दिया है ताकि index.php मेरी कम्युनिकेट कर पाए डेटाबेस से, तभी तो ये डेटा डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक सिंपल एक कस्टम क्वेरी बनाई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो मेरा है tbl_employee, ऑर्डर बाय ID DESC, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो लास्ट इंसर्ट होगा वो सबसे पहले दिखेगा, मतलब कि लास्ट इंसर्ट क्या है मेरा, जो मैंने किया है वो है टेक्निकल सुनेजा, वो आपको सबसे पहले दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, $connect जो कि मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट में मैंने क्या फंक्शन कॉल किया, प्रिपेयर, और अपनी क्वेरी को पास कर दिया। ये क्वेरी बनाएगा, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के पास किया, एग्जीक्यूट किया, और जो आपने कस्टम क्वेरी बनाई है उसकी रिस्पेक्ट में जो भी डेटा होगा, फैचुअल फंक्शन क्या करेगा, डेटा ले आएगा और रिजल्ट में दे देगा, ठीक है, दैट सेट, और कुछ भी नहीं है। तो ये तो हो गया PHP का काम। अब हमने सिंपल यहाँ पे टाइटल दिया है, और हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप, jQuery और बूटस्ट्रैप की CSS और JS को इंक्लूड करवाया है, दैट सेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल हमने एक H3 टैग दिया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये रहा। और उसके बाद गाइस हमने एक टेबल क्रिएट की है, और जो आप ये क्लासेस देख रहे हो, टेबल, table-border, table-responsive, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं जिससे आपका पेज रिस्पॉन्सिव हो पाए, मतलब कि टैबलेट में या मोबाइल पे या लैपटॉप में आप देख पाओ। सिंपल सी बात है, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जो भी आपका पेज है वो ऑटोमेटिकली मोबाइल के रिजोल्यूशन के हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे कि ये देखिए इस तरीके से,
ठीक है। सो अगर आपको बूटस्ट्रैप सीखना हो तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, और तो यहाँ पे एक सीरीज़ मिलेगी आपको बूटस्ट्रैप की, जिसमें 5 to 6 वीडियोज़ हैं, जिसको आप सीख के ये आइडिया लगा सकते हो कि बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ किया जाता है, कौन सी क्लासेज है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं वापस। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, टेबल रो बनाई है जिसके अंदर क्या है, टेबल हेडर, तो नेम है, एड्रेस है, जेंडर है, डेजिग्नेशन है और एज है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बटन भी है। ठीक है, बटन में हमने क्या दिया है, एक नेम एट्रीब्यूट दिया है जो कि है डिलीट अंडरस्कोर ऑल, आईडी दी है, तो यहाँ पे एक क्लास दी है बूटस्ट्रैप की डेंजर जो कि है रेड कलर, ऐसी सक्सेस दे दोगे तो आएगा ग्रीन कलर। तो अलग अलग क्लासेज है बूटस्ट्रैप के अंदर। सो जो ये वाला पार्ट है ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, ये देखिए जो आपने रो बनाई है, अगर मैं इस रो को हटा दूं और रन करूं तो देखिए हट गया, इसको लगा देते हैं, तो ये हमारा स्टैटिक है। अब हमें चाहिए डायनेमिक डेटा, मतलब कि ये डेटा जो भी आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है, सो हमने अभी क्या किया गाइस, सिंपल मुझे पता है कि मेरा सारा का सारा डेटा जो है वो रिज़ल्ट के अंदर है, और मैंने सिंपल यहाँ पर लूप लगाया, फॉरिश लूप रिज़ल्ट की, जो फर्स्ट रो होगी वो रो में जाएगी, और हमने सिंपल इको करवा दिया यहाँ पर, सिंपल हमने इको करवा दिया और कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इको एक रो बनाई, और यहाँ पे हमने एक चेकबॉक्स दिया, और जिसके अंदर क्लास दिया हमने डिलीट अंडरस्कोर चेकबॉक्स, और यहाँ पे वैल्यू क्या दिए गाइस, हमने दिया आईडी। मैं चाहता हूँ, देखिए लॉजिक कैसे बनता है, हम कैसे डिलीट करते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स या सिंगल रिकॉर्ड्स यूजिंग चेकबॉक्स। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं चेकबॉक्स पर क्लिक करूँ तो वो डिलीट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम आईडी पास कर रहे हैं। कहाँ पे आईडी पास कर रहे हैं, जैसे मैं क्लिक करूँगा इसके क्लिक पे आईडी, मतलब इस रो की आईडी, जैसे मैं क्लिक करूँगा डिलीट पे तो वो डिलीट के पास जाएगी, डिलीट वाले लॉजिक पे जाएगी, आईडी को रिसीव करेगी और डिलीट कर देगी। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, आईडी पास की है, तो ऐसे हर रो की अपनी एक आईडी होगी, मतलब कि ये एक रो है, ये एक रो है, लूप चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी आईडी होगी, यहाँ पे इसकी आईडी होगी, हर किसी की अपनी सेपरेट आईडी होगी। हमने नेम निकाला, एड्रेस निकाला, जेंडर निकाला, डेजिग्नेशन निकाला, एज निकाला, दैट्स इट। तो इतने लॉजिक से क्या होगा, आपका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर है, बट अभी खाली इतना ही है। अब ये चीज़ कैसे हो रही है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये रेड आ रहा है, इसके लिए हमने क्या किया, बहुत ही ईजी है। तो कभी कभी हमें ये लगता है कि ये कैसे अचीव होगा, बट अगर ध्यान से देखें तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक सिंपल एक क्लास क्रिएट किया है जैसा कि आप देख रहे हो, और क्लास का नाम है रिमूव रो। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया है रेड, आपकी मर्जी जो कलर देना चाहो आप दे देना, और यहाँ पे कलर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, टेक्स्ट कलर क्या होगा, वाइट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इस चेकबॉक्स पर तो ये रेड हो जाता है, चलते हैं इस चेकबॉक्स पर, ये रहा, तो इसकी क्लास है मेरे पास डिलीट अंडरस्कोर चेकबॉक्स। चलते हैं जेक्वेरी के अंदर, जैसे ही आपका पेज लोड होगा तो ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन कॉल होगा, और हमने क्लास को रिसीव किया, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इफ़ दिस, अगर वो चेक होता है तो आप यहाँ पे जिस चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे आएगा, क्लिक करोगे दिस इज चेक्ड है, मतलब कि जो भी आपने यहाँ पर क्लिक किया होगा, मतलब जो भी आपने क्लिक किया होगा दिस उसको रेफ़र करेगा, और क्या होगा दिस, ये फंक्शन है हमारे पास जेक्वेरी के अंदर क्लोजेस्ट, तो ये क्या करेगा, क्लोजेस्ट टीआर ढूंढेगा। अब देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लोजेस्ट मतलब कि चेकबॉक्स के जो सबसे पास टीआर होगा, अब कौन सा है, एक ही टीआर है, ये रहा, बेशक लूप चल रहा है हर बार टीआर अलग अलग है, बट इसके सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, ये टीआर है। तो क्लोजेस्ट फंक्शन क्या करता है गाइस, जेक्वेरी के अंदर क्लोजेस्ट फंक्शन सबसे नियर टीआर देखेगा, मतलब कि एज पर हमारा जो लॉजिक है उसके हिसाब से, ये देखिए नियर टीआर देखेगा और उसके अंदर एक क्लास ऐड कर देगा, क्या, रिमूव रो, अगर वो चेक्ड है तो, अगर वो चेक्ड नहीं है तो उस क्लास को हटा देगा, मतलब रिमूव क्लास। तो ऐड क्लास और रिमूव क्लास दोनों जेक्वेरी के अंदर फंक्शन है, क्लास को ऐड करना हो तो ऐड क्लास यूज़ करते हैं, क्लास को रिमूव करना हो तो रिमूव क्लास यूज़ करते हैं। और क्लोजेस्ट क्या करता है कि जो भी उस चेकबॉक्स के सबसे पास टीआर होगा, मतलब टीआर टैग होगा, वो उसको ढूंढेगा और उसमें क्लास ऐड क्या कर देगा, रिमूव रो। ठीक है गाइस, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो ये लॉजिक जो आप देख रहे हो, हमने क्लिक किया और ये रेड हो गया, तो ये ऐसे हो पा रहा है, और जैसे अनटिक किया तो क्या हुआ, ये एल्स चलेगा, कौन सा एल्स, ये एल्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे ही सिलेक्ट कर लिया और डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाए, तो ये कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ये रहा, और इस बटन के अंदर जो नेम है और जो आईडी है वो क्या है, डिलीट अंडरस्कोर ऑल। तो चलते हैं गाइस जेक्वेरी के अंदर, और हमने यहाँ पे एक सिंपल क्या किया, डिलीट अंडरस्कोर ऑल, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो
तो ये क्या करेगा, जितने भी चेकबॉक्स हैं, अभी तो एक है, दो है, 10 हैं, 20 हैं, वट एवर, हमने क्लास को रिसीव किया, क्लास क्या है मेरी, डिलीट अंडरस्कोर चेकबॉक्स, ये देखिए, और चेक किया यहाँ पे वो चेक्ड है, अगर वो चेक्ड है तो हमें चेकबॉक्स में मिल जाएगी वैल्यू, मतलब कि जितने भी चेक्ड होंगे सब मिल जाएगा आपको। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कितने चेक्ड है, 10 है, 5 है, तो हमने लेंथ निकाला, अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे ये इफ चलेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया है चेकबॉक्स अंडरस्कोर वैल्यू, जो कि एक एरे है अभी खाली है, इसमें हम वैल्यू पुश करेंगे। कौन सी वैल्यू पुश करोगे, जो चेकबॉक्स सेलेक्ट है। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, चेकबॉक्स, अब चेकबॉक्स क्या है मेरा, ये देखिए, चेकबॉक्स ईच। अब ये ईच फंक्शन क्या करता है, एज अ लूप की तरह काम करता है, वन बाय वन चेकबॉक्स की वैल्यू आएगी और उसको इस एरे के अंदर डालता जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, हमें यहाँ पे मिला क्या, जो भी चेकबॉक्स सेलेक्ट हैं, हमने लेंथ यूज़ किया, काउंट किया कितने हैं, और यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया, और इस चेकबॉक्स में से जो भी आपने देखा ऊपर जिसमें लेंथ हमने निकाली है, और इस चेकबॉक्स में से हमने वन बाय वन वैल्यू निकाली और हमारे एरे के अंदर पुश कर दी, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये एरे है, पुश करी क्या, डॉलर दिस वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू आई चली गई, सेकेंड वैल्यू चली गई, दैट्स इट। और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल अजेक्स यूज़ किया है, डिलीट डॉट पी एच पी पे गए, पोस्ट मेथड यूज़ किया है, और हम क्या डेटा भेज रहे हैं गाइस, चेकबॉक्स अंडरस्कोर वैल्यू, और जो कि है आपकी ये एरे, जिसके अंदर सारे के सारे चेकबॉक्स की वैल्यू है, और उसके अंदर क्या है, आईडी भेज रहे हो आप, मतलब कि जैसे क्लिक किया इसकी आईडी, इसकी आईडी, वन बाय वन आप आईडी भेज रहे हो। तो गाइस, तो डिलीट डॉट पी एच पी में क्या जाएगा, चेकबॉक्स अंडर स्कोर वैल्यू, चलते हैं गाइस डिलीट डॉट पी एच पी में। तो यहाँ हमने सिंपल रिसीव किया चेकबॉक्स अंडर स्कोर वैल्यू, अब मुझे पता है कि वो मल्टीपल चेकबॉक्स की वैल्यू है या सिंगल भी हो सकती है, तो हमने यहाँ पे फोर लूप लगाया, काउंट की वैल्यू जीरो है, और काउंट लेस देन, एक काउंट फंक्शन होता है जो काउंट करेगा कितने चेकबॉक्स की वैल्यू यहाँ पे आई है। उसके बाद हमने सिंपल एक क्वेरी बनाई, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी, जो भी आपके चेकबॉक्स की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, काउंट लिखा है, मतलब कि देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ अच्छे से, जीरो जीरो इज़ लेस देन, मान लो 10 वैल्यू है, तो जीरो इज़ लेस देन 10, येस, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी, जो आईडी होगी वो, और ये जीरो, तो पहले लूप चल रहा है जीरो के लिए। तो ये काउंट हमने क्यों लगाया है यहाँ पे, जीरो के लिए चलेगा, फिर वन के लिए चलेगा, टू के लिए चलेगा, थ्री के लिए चलेगा, फोर के लिए चलेगा, और डिलीट करता रहेगा। उसके बाद सिंपल हमने कनेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा, प्रिपेयर फंक्शन कॉल किया, अपने क्वेरी ऑब्जेक्ट को पास किया और एग्जीक्यूट किया। तो कहने का मतलब ये है, वन बाय वन हर चेकबॉक्स की वैल्यू यहाँ पर डिलीट होती जाएगी, और रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा, इस सक्सेस फंक्शन के पास। और जो रिमूव रो है, जो क्लास एडिड है, मतलब कि ये जो अभी आप रेड कलर का देख रहे हो, ये फेड आउट हो जाएगा। कैसे फेड आउट होगा ये देखिए, दैट्स इट। सो गाइज इंटरेस्टिंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डेमो आपको क्लियर होगा अच्छे से। अब यहाँ पे एक काम करते हैं गाइज, एक और रिकॉर्ड डालते हैं, और यहाँ पे जस्ट एक्स वाई जेड डाल देते हैं, जेंडर हो गया मेल, और डेजिग्नेशन एक्स वाई जेड डाल देते हैं, अभी एज डालते हैं 25, गो करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ देखिए जो इंटरेस्टिंग है, अभी रिकॉर्ड एक है और मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखी है हमने, सेलेक्ट एटलीस्ट वन रिकॉर्ड, ये नहीं कि आप ऐसे डिलीट कर दोगे, तो ये इस तरीके से आप वैलिडेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, सो ये था कंप्लीट डेमो और कोडिंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेमो क्लियर होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी ईमेल आईडी को ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं 24 आवर्स के अंदर कोड आपको सेंड कर दूंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे आप लाइक कर सकते हो। सो ये है ग्रुप का नाम, यहाँ पर आप आ सकते हो और अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, इवन आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो आस्क सुनेजा जी, और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस डालिए, मैं हर संडे आके आपको एक अच्छी वीडियो दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।